शुक्ल कार्यक्रम जो बन रहे हैं उनमें समस्या भी है और समाधान भी है और अधिकारियों से बातचीत भी है, तो उनको पूरा निचोड़ एक कार्यक्रम में मिल गया। समुदाय के साथ तो हम लोग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई मंच नहीं था वैसा कि लोग अपनी बात आए यहाँ पे कह सकें। और अधिकारियों को जोड़ने का जो काम हम अभी कर रहे हैं एक तरह से अच्छा काम है, क्योंकि इससे अधिकारियों के पास जो जानकारी आ रही है वो हमारे जरिए उन तक पहुँच पा रही है जिनके लिए वो जानकारी है। और लोगों के साथ आपसी मेलजोल की बात करें तो बहुत अच्छा रहा, जब हम उनके साथ बैठते हैं तो अपने भाईचारे की तरह उनसे मिलते हैं और उनको जानने का मौका हमें मिलता है और वो हमें जानने का उनसे मौका मिलता है, यानी ये तो दूसरे के आदान प्रदान होता है ज्ञान का। शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार है। शुभकल कार्यक्रम में क्या जो किसान जुड़े हुए तो किसानों की भाषा हमको पसंद आती है। शुभकल कार्यक्रम में ये था कि जो उसके 12 पॉइंट हैं, मतलब जो 12 एपिसोड हैं, उसमें हर एपिसोड में एक एक बात बिल्कुल क्लियर करके बताई गई है। हमको पहले जानकारी नहीं थी, मतलब सब्जी नुकसान कैसे करती है, आदमी बीमार किस तरीके से होता है, जो उसी तरीके से हम लोग को जानकारी मिली शुभकल कार्यक्रम से। तो फिर कुछ लोगों ने हमारे यहाँ बंद कर दिया जिस दवाई डालना। हमने शुभकल कार्यक्रम सुन के गांव के लोगों के लिए जागरूक करने के लिए एक किसान सम्मेलन करवाया जो कि जैविक खेती पर था। मनोरंजन के माध्यम से बहुत बढ़िया हमने देखा उस कार्यक्रम में, कुछ कविताएं हैं भी बहुत ही बढ़िया हैं जो कार्यक्रम पर आधारित हैं, एक जैसे गोबर गैस पर कविता है वो भी बहुत अच्छी लगी। लोकल लैंग्वेज में जब कोई बात करता है तो लगता है कोई अपना है, ये अनुभव बहुत अच्छा रहा है क्योंकि हम भी अपने लोगों के बीच में हम चार साइंटिस्टों के साथ नहीं पहुँच सकते थे। इस समय जो हम प्रकाश कुशवाहा जो कार्य कर रहे हैं और जो उनका मिट्टी की स्वास्थ्य सुधारने के लिए जो जैविक तरीके अपना रहे हैं और मिट्टी में जो खाद बनाने के तरीके बता रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा प्रक्रम है। आगे के लिए ये एक टिकाऊ उत्पादन के लिए बड़ा अच्छा प्रयास होगा, तो इसको कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भरपूर प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे जिले में फैलाने का कार्य करेंगे।